है फ्रेंड्स, देखिए हम चार्ज फ्रेमिंग पे बात कर रहे थे, पार्ट टू है। तो जो पार्ट वन था, पार्ट वन हमने वन में हमने बात की थी 211 से लेकर के 217 तक, यानी कि फॉर्म ऑफ चार्ज के बारे में कि भाई चार्ज कैसे होगा। फॉर्म नंबर 32 उसके लिए हमने लास्ट में बात की थी, वो यूज होता है। तो अभी क्या है कि जब मल्टीपल चार्जेज हो जाते हैं, अब आप देखते हैं क्रिमिनल केसेस में कोई एक ऑफेंस तो होता नहीं है, तो जब मल्टीपल ऑफेंसेज होते हैं बाई सेम पर्सन और बाई डिफरेंट पर्सन, तो वहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग कैसे होगी। तो आज के हम पार्ट टू में हम देखेंगे ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पार्ट वन को ज़रूर देख लें, तभी आपको पार्ट टू अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए चैप्टर 17 जो है ये बात करता है आपका चार्ज के बारे में, और चार्ज को हमने डिवाइड किया था दो चीज़ों में। एक था आपका फॉर्म ऑफ चार्ज, जो हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं पार्ट वन में, और एक है आपका ज्वाइंडर ऑफ चार्ज, जिसे हम आज के वीडियो में करेंगे, यानी कि पार्ट टू। 211 से 217 तक हमने समझा कंटेंट ऑफ चार्ज क्या रहेंगे, चार्ज के कंटेंट क्या क्या होने चाहिए, और अगर चार्ज अल्ट्रेशन कोड की पावर क्या होती है, और अगर एरर आ जाते हैं कोई मटेरियल एरर या इमटेरियल है, तो 215 में हमने एरर को भी देखा था। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज है आज हम इसको डील करेंगे फ्रॉम सेक्शन 218 टू 224। एक चार्ट मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इस चार्ट को ना अपने साथ साथ बना के अपने बेरेक्ट में लगा लें, और अपना बेरेक्ट जरूर साथ में खोलें, आईपीसी का बेरेक्ट भी आपको साथ में रखना है। जब भी आप कोई भी सीआरपीसी का वीडियो देखते हैं तो आईपीसी का बेरेक्ट आपके साथ होना चाहिए। चलिए चैप्टर 12 के पार्ट टू में आज हम क्या बात करेंगे, ये हमारा पार्ट टू, यहाँ पर ज्वाइंडर ऑफ चार्ज की आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन 218 टू 224। अब इन सेक्शंस को हमने एक इजी वे में बाइफर्केट किया है, सो दैट कि आप इजीली उसको मेमोराइज कर सकें। 218 जो है ये आपका बेसिक रूल की बात करें, यानी कि जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि मान लीजिए किसी के द्वारा भी कोई अगर सेपरेट ऑफेंस किया जाता है, तो उसके लिए सेपरेट चार्ज फ्रेम होगा और सेपरेट ट्रायल होगा। सीधी सी बात है भाई, जो भी चार्ज बनेगा, जो चार्ज उसके ऊपर लगेगा, वो हर ऑफेंस के लिए अलग अलग लगेगा, और हर चार्ज के लिए अलग से सेपरेट ट्रायल चलाया जाना चाहिए। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हो जाएगा, कोर्ट्स के पास पहले ही बहुत कम टाइम है। तो इसके लिए इसकी कुछ एक्सेप्शंस बनाई गई हैं, जो एक्सेप्शन 219 से लेकर 221 और 223, इसमें 222 को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि 222 जो है अलग बात करता है। जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू दिस बेसिक रूल जनरल रूल, ये 219, 20, 21 और 223 चार जो हैं आपकी टोटल एक्सेप्शन यहाँ पे हैं। और जो सेक्शन 222 और 224 है, ये आपके सप्लीमेंट्री प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। इसको अगर एक बार आपने बना लिया तो यू विल कम टू नो कि ये चीज़ें कैसे आपको याद करनी है, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इस बेरेक्ट को समझते हैं, हम एक एक चीज़ को हम बेरेक्ट लैंग्वेज में पढ़ेंगे, अपना बेरेक्ट साथ में खोल लें। देखिए 218 का मैं जिस्ट बता देता हूँ आपको। 218 सीधी सी बात कह रहा है कि हर सेपरेट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज होगा और सेपरेट ट्रायल होना चाहिए। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज शैल बी सेपरेट चार्ज, यानी कि सेपरेट चार्ज होना चाहिए हर एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए। एंड एवरी सच चार्ज सेल बी ट्राइड सेपरेटली, यानी ट्रायल भी क्या होना चाहिए, आपका सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका प्रोवाइजो, प्रोवाइजो को आप जरूर अंडरलाइन कर लें। ये कह रहा है कि अगर एक्यूज्ड जो है वो कोई एप्लीकेशन देता है इन राइटिंग, और वो चाहता है कि जी मेरा जो है मल्टीपल ऑफेंसेस का ट्रायल एक साथ चला दिया जाए, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ऐसे व्यक्ति को कोई प्रिजुडाइज्ड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा उस पर, तो मैजिस्ट्रेट उन सभी को एक साथ ट्रायल चला सकता है। देयर कैन बी वन ट्रायल, ये आपका प्रोवाइजो कहता है। अब सबसेक्शन टू ने एक चीज़ कह दी, जो हम एक्सेप्शन की बात कर रहे थे
219 से 220 और 223, 222 को यहाँ छोड़ना, याद रखना, सीरीज में उसको याद नहीं कर लेना, उनके प्रोविजंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इतनी सी बात यहाँ कह रहा है। अब देखिए एग्जांपल यहाँ क्या, इलुस्ट्रेशन आप सभी देखा करें, हालांकि इलुस्ट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, फिर भी आप इसको देख लें। ए इज एक्यूज ऑफ थेफ्ट, ए के ऊपर चार्ज लगा है कि भाई उसने चोरी की है ऑन वन ओकेजन एंड कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन अनदर ओकेजन। भाई एक जगह तो उसने चोरी की है, दूसरी जगह उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है, तो दो हो गए यहाँ पे। देखिए एक तो हो गया उसका थेफ्ट और एक हो गया ग्रीवियस हर्ट। तो 218 ये कहता है कि इन दोनों के लिए सेपरेट चार्ज होगा और सेपरेट ट्रायल होना चाहिए। चार्ज के लिए अलग से ट्रायल चलेगा और ग्रीवियस हर्ट के लिए अलग से चलेगा। ये बेसिक रूल है, जनरल रूल है ये। अभी यहीं हम 219 पर आते हैं, इसको आप एक्सेप्शन वन लिख लें, ये आपकी एक्सेप्शन वन है। ये सीधी सी एक चीज़ कहती है, मैं आपको वैसे अपने बेयर एक्ट में लिख लें जो मैं लिख रहा हूँ, कि अप टू 3 ऑफेंसेस, कितने ऑफेंस, 3 ऑफेंस विद इन 12 मंथ, 3 ऑफेंस 12 महीने के अंदर, और दूसरे क्या होगा यहाँ पे, वो सेम काइंड के ऑफेंस जो हैं वो सेम काइंड के होने चाहिए। तो इनको आप जो है वन ट्रायल में चला सकते हो, यू कैन बी हैव वन ट्रायल फॉर देम, समझ गए आप, ये बिल्कुल इसका कीवर्ड है। 3 ऑफेंस सेम काइंड विद इन 12 मंथ बाय सेम पर्सन। सब सेक्शन 2 के यहाँ पे क्या कहता है, ये ही कहता है कि मान लीजिए किसी भी उसमें, मान लीजिए हम आईपीसी में बात करते हैं, अगर किन्हीं दो ऑफेंस की पनिशमेंट सेम है तो उसे हम क्या मान लेंगे, सेम काइंड का मानेंगे। सेम पनिशमेंट है, सेम अगर पनिशमेंट है तो उसको हम मान लेंगे कि वो सेम काइंड का है। ये इतनी सी बात कह रहा है, ऑफेंस आर ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन ऑफ द आईपीसी, एक ही सेक्शन में। लेकिन यह एक प्रोवाइजो दे दिया गया, आपको याद होगा थेफ्ट जब हम पढ़ते हैं तो 379 नॉर्मल थेफ्ट की बात करता है, जिसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही जो 380 में आ जाता है, वहाँ पे आप अगर किसी भाई किसी घर में घुस के चोरी करते हैं तो आप पे 380 लगती है, और उसके लिए जो है 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ये सेकेंड वाली बात यहाँ देखिए हट गई, ये 3 साल और ये 7 साल, बट स्टिल दीज आर ऑफ द सेम काइंड, इसीलिए इसका ये प्रोवाइजो है इसको। तो दोनों ऑफेंस जो हैं सेम टाइप के होंगे, सेम काइंड के ऑफेंस यहाँ माने जाएंगे। तो ये तो हो गया 219। नाउ फ्रेंड्स सेक्शन 220, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 220 क्या कहता है, 220 को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर हम इसका चार्ट इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक बार बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ के देखिए, आप अपना बेयर एक्ट खोल लीजिए। इफ़ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट, देखिए इन वन सीरीज ऑफ एक्ट यानी कि ट्रांजेक्शन सेम हो, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, सेम ट्रांजेक्शन कनेक्टेड टुगेदर एज फॉर्म दिस पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन मोर ऑफेंस देन वन कमिटेड। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंट ऑफेंस हो गए, क्या हो गए, डिफरेंट ऑफेंस और बाय सेम पर्सन इन सेम ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन में सीरीज ऑफ एक्ट यानी कि ज़्यादा एक्ट हो सकते हैं। अब इसके लिए देखिए आप इलुस्ट्रेशन जब बेयर एक्ट में देखेंगे तो आपका इलुस्ट्रेशन इसके लिए ए दे रखा है, हम इलुस्ट्रेशन भी साथ साथ करेंगे जिससे आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाले ने किसी को अपने पास कन्फाइन कर डिटेन कर रखा है, पकड़ रखा है, अरेस्ट में है, और उसको छुड़वाने के लिए कोई दूसरा उसका साथी वहाँ पर आता है, एक तो और छुड़वाने के दौरान वो पुलिस वाले को पीट भी देता है, ग्रीवियस हर्ट पहुँचा देता है, तो यहाँ पे उसने दो ऑफेंस कर दिए हैं। देखिए बंदा एक है भाई, जो साथी उसका छुड़वाने आया बंदा तो एक, इलस्ट्रेशन ये पढ़ी है आपका यही बात कह रहा है कि एक ही व्यक्ति आया लेकिन उसने वहाँ पे दो ऑफेंस कर दिए, एक तो ग्रीवियस हर्ट पहुँचा दी, एक वही लाफुल अथॉरिटी से वहाँ से उस बंदे को लेके चला गया, तो उसके ऊपर दोनों चार्ज लगेंगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि वन अ पर्सन चार्ज्ड विद वन और मोर ऑफेंस, जब किसी व्यक्ति पर एक या एक से अधिक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहाँ आती है, आपके आईपीसी में आपने पढ़ा है 405 से लेकर के 406,
405 डेफिनेशन था, 6 उसकी पनिशमेंट बताता है। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, जो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है आपका, ये आपका 403 और 404 में डिफाइंड है। आईपीसी के सेक्शन में ना ऐसी जगह पे याद करते चलें, अपने वेर एक्ट में चीज़ों को लिख लें। ऑफ प्रॉपर्टी एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 212, आपको याद होगा हमने सेक्शन 212 जब पढ़ा था वहाँ भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की बात की गई थी। या फिर अभी हमने सब सेक्शन 1 जो 219 पढ़ा है अभी 229 का, एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग फॉर द पर्पज फैसिलिटेटिंग और कंसीलिंग, या तो फैसिलिटेट कर रहा है या कंसील कर रहा है, द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस और दोज ऑफेंसेस, वन और मोर ऑफेंस ऑफ फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस। सब सेक्शन 3 भी देख लेते हैं। अब 3 पे आगे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आईपीसी सेक्शन 71 जरूर देख लें। इफ द एक्ट अलेज्ड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन टू और मोर सेपरेट डेफिनेशंस, देखिए बिल्कुल सेम है जो आपके आईपीसी में दी गई है, वही चीज़ यहाँ पे है। आप देखिए अपना आईपीसी का सेक्शन 71 खोलिए, बेरेक्ट खोलिए आप अपना आईपीसी के 71 में। जब आप पढ़ेंगे लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, देखिए यहाँ पे टोटल 3 कंडीशन दी गई हैं। ये कहता है कि वेयर एनी थिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स एनी ऑफ विच पार्ट इज इट सेल्फ एन ऑफेंस, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट मोर देन वन ऑफ हिज सच ऑफेंस अनलेस इट इज सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। दूसरी जो कंडीशन आ जाती है जो हम पढ़ रहे हैं 3 के साथ में, आप उसको साथ में लिखें। देखिए वो क्या कह रहा है कि वेयर एनी थिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन टू और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर टाइम बींग बाई विच ऑफेंस आर डिफाइंड और पनिश्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राई हिम कुड अवार्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंस। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे कि जहाँ पे सेवरल एक्ट फॉर विच वन और मोर देन वन वुड बाई इट सेल्फ और बाई देम सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जहाँ दो ऑफेंस मिलकर एक ऑफेंस बनाते हैं, जहाँ आपका एक एक्ट दूसरे के साथ मिलकर कोई तीसरा ऑफेंस बना देता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके लिए भी एक डिफरेंट ऑफेंस उसको माना जाएगा, ये 71 कहता है। अब आते हैं बैक टू सीआरपीसी। आपका 220 का सब सेक्शन 3 कहता है कि इफ द एक्ट अलेज्ड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन टू और मोर सेपरेट डेफिनेशन, यानी कि जिस ऐसे ऑफेंस की जिसकी दो या दो से अधिक डेफिनेशन है किसी भी लॉ में जो टाइमिंग फोर्स में है, डिफाइंड और पनिश, द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ देम मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर ईच ऑफ सच ऑफेंस, तो वहाँ उसका हम वन ट्रायल चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वन ट्रायल चला सकते हैं। अभी 4 पे आइए, जो हमने आईपीसी 71 पढ़ा वही यहाँ पे वो भी लिंक हो जाता है कि इफ सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जहाँ पे एक ऑफेंस किया आपने फिर दूसरा किया, इन दोनों ने मिलकर तीसरा ऑफेंस बना दिया, समझ रहे मेरी बात को। मान लीजिए किसी ने रॉबरी किया 392 में और हर्ट पहुंचाया, हर्ट और 93 मिलके क्या बनाएंगे, रॉबरी मिलके आपका 394 बना देते हैं, और 394 यहाँ पे 3 ऑफेंस हो जाएंगे इन दोनों के मिलने से, जो बना उस पर भी और पीछे वाले पर भी, इसके लिए भी वन ट्रायल चला सकते हैं। 5 कहता है कि नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी, तो 71 इज द की सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन। आप देखिए एक छोटा सा मैं चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको देख लें और आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 220 ऑफ सीआरपीसी की। अब देखिए इसके सब सेक्शन 1 पर आइए, सबसे पहले हम एक एक सब सेक्शन की यहाँ बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है कि जब, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिखूँगा आप अच्छे से लिख लें, डिफरेंट ऑफेंस किए गए हों, क्या किए गए हों, डिफरेंट ऑफेंस किसके द्वारा, बाई सेम पर्सन इन सेम ट्रांजेक्शन, सेम पर्सन के द्वारा सेम ट्रांजेक्शन में, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंगल ट्रायल चला सकते हो। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 यहाँ पे क्या कहता है
कि जब आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ टर्सी आरबीटी, ऐसे शॉर्टकट आप लोग भी बनाया करें नोट्स में, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, जब ये इसके साथ में क्या हो, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट हो, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और ये किस पे, कौन से सेक्शन की कंडीशन, 212 का एक, जहां पे आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, रीड विद 219 का सब सेक्शन 1, यानी कि विद इन 12 मंथ्स थ्री ऑफेंसेस, तीन ऑफेंस अगर एक साल में इस तरह से किए गए हैं तो वहां उनके लिए आप एक सिंगल ट्रायल चला सकते हैं, सिंगल ट्रायल कैन बी देयर, ये आपका सब सेक्शन 2 कहता है। अभी हम चलते हैं अपने सब सेक्शन 3 के ऊपर। मैं थोड़ा सा अलग अलग कलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 ये कह रहा है कि जब किसी ऑफेंस की दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर डेफिनेशंस हो, क्या हो, दो या दो से अधिक डेफिनेशन हो, तो वहाँ पे एवरी सच ऑफेंस कैन बी ट्राइड इन वन ट्रायल, तो वहाँ पर एक सिंगल ट्रायल में ही सारे के सारे ऑफेंस का ट्रायल चलाया जा सकता है, भले ही दो डेफिनेशन है वहाँ पे। 4 फिर क्या कहता है यहाँ पे कि वन पर्सन व्हेन कंबाइंड विद अनदर, जब एक ऑफेंस, वन ऑफेंस प्लस अनदर ऑफेंस, दो ऑफेंस एक साथ हुए और इन्होंने मिलके बना दिया एक कोई थर्ड ऑफेंस, तो इन तीनों ऑफेंस के लिए एक सिंगल ट्रायल चलेगा, रॉबरी और हर्ट मिलके 394 जैसे यहाँ पे बन जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे सेम ट्रायल चलाया जा सकता है। 4 का एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ये 4 का एग्जांपल ले लीजिए, 392 में कोई डकैती पहुँचाता है और 323 में वॉलंटरी किसी को हर्ट कॉज करता है, और तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, 394, क्योंकि जब रॉबरी करते हुए किसी को वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, इट बिकम्स 394, तो यहाँ पे एक ऑफेंस प्लस दूसरा ऑफेंस, तो ये दोनों मिलके बना दिए तीसरा ऑफेंस, और इन तीनों ऑफेंस का एक ही ट्रायल चलाया जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सब सेक्शन 5 को मैं यहीं लिख देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि जो आईपीसी का 71 है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आईपीसी में 71, 72 ये सेंटेंस का असेसमेंट करने वाले सेक्शन हैं। क्या है, सेंटेंस का असेसमेंट करने वाले सेक्शन है। आई होप आपको सेक्शन 220 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, और इसके लिए आप इलुस्ट्रेशन M भी देख सकते हैं, आपका मेरे एक्ट में और भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने इलुस्ट्रेशन है वो आप ज़रूर पढ़ लें, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 221 क्या कहता है कि जहाँ पे ये डाउटफुल होता है, इट इज़ डाउटफुल दैट व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, भाई डाउट में है कि ऑफेंस हुआ क्या है, तो देखिए जहाँ पे कोई भी आपके मल्टीपल या सिंगल एक्ट और कोई ऑफेंस बनता है, जहाँ पे या तो सिंगल एक्ट हो या सीरीज ऑफ एक्ट, यानी कि सिंगल एक्ट या मल्टीपल एक्ट, अब सच ए नेचर दैट इट इज़ डाउटफुल, ये डाउटफुल हो जाता है कि भाई कौन सा ऑफेंस उसने किया है, कौन सा ऑफेंस बन रहा है वहाँ पे, तो वो क्या है, वो सभी उन ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया जा सकता है जो वहाँ पे लग रहे हैं कोर्ट, और उन सबको एक ही ट्रायल में चलाया जा सकता है। लेकिन इन सच केस एक्यूज इज चार्ज विद वन ऑफेंस, भाई आपने उसके ऊपर लगा दिया मान लीजिए 379 थेफ्ट का, लेकिन एविडेंस लेने के बाद पता चला कि उसने तो कोई दूसरा ऑफेंस किया है, तो उस केस में क्या है, उसको उस ऑफेंस के लिए भी कन्विक्ट किया जा सकता है जो हालांकि आपने चार्ज फ्रेम नहीं किया था, उसके लिए भी आप उसको कन्विक्ट कर सकते हो। इलस्ट्रेशन देखिए, ए क्या है, एक्यूज्ड ऑफ एन एक्ट विच मे अमाउंट टू थेफ्ट और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग, भाई समझ में नहीं आ रहा उसने चोरी की है, स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, चीट किया है, तो ही मे बी चार्ज विद थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग, या फिर वो किसी एक के लिए भी किया जा सकता है, और लास्ट में जो प्रूव हो जाएगा भले ही आपने वो चार्ज में न किया, उसके लिए आप उसको कन्विक्ट कर सकते हो। दोनों इलस्ट्रेशन देख लें एग्जाम के लिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 222 से पहले हम 223 देखेंगे। 223 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
223 क्या कह रहा है, ज्वाइंटर ऑफ एक्यूज्ड की बात कर रहा है ये, जब किसी कई सारे व्यक्तियों को एक साथ ज्वाइंट करना हो, यानी कि जहाँ पे आपके डिफरेंट एक्यूज्ड हैं, क्या हैं, एक्यूज डिफरेंट हैं और उनको ज्वाइंटली चार्ज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ज्वाइंटली चार्ज किया जा रहा है, ये चीज़ बस आपको यहाँ याद रखनी है। द फॉलोइंग पर्सन मे बी चार्ज टूगेदर, देखिए कुछ कंडीशन बताई गई हैं यहाँ पे, ये कंडीशन देख लीजिए, टोटल यहाँ पे अराउंड टोटल 7 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि सेम ऑफेंस इन दिस सेम ट्रांजैक्शन बाय देम, बस कई सारे लोगों ने मिलकर एक ही अपराध एक ही दौरान किया है, किसी कहीं बैंक लूटने गए, एक ने किसी को गोली मारी, एक ने कुछ लूट लिया, एक ने कुछ कर दिया, वो सेम ट्रांजैक्शन के एक्ट हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने सेम ऑफेंस भी सेम कर दिया। पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट, अब यहाँ पे क्या है, ऑफेंस उसका अबेटमेंट और उसका अटेम्प्ट एक साथ उन्होंने किया, मान लीजिए भाई किसी ने अटेम्प्ट किया है या मैंने किसी को अबेट कर दिया और उसने ऑफेंस कर दिया, तो अबेट करने वाले को भी और ऑफेंडर को भी दोनों को एक ट्रायल में लिया जा सकता है, सेकंड कंडीशन। थर्ड यहाँ पे क्या कहता है कि कमिटेड ज्वाइंटली सेम काइंड विद इन 12 मंथ्स, कि भाई विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कहाँ पढ़ा था हमने, 219 में पढ़ा था, ठीक है, तो तब भी आप उसको चार्ज कर सकते हो। फोर्थ कहता है जहाँ पे डिफरेंट ऑफेंस इन सेम ट्रांजेक्शन, देखिए फर्स्ट को ना हमेशा फोर्थ के साथ पढ़ें, यहाँ ऑफेंस सेम है और यहाँ पे ऑफेंस डिफरेंट है, ट्रांजैक्शन यहाँ भी सेम थी और ट्रांजैक्शन यहाँ भी सेम है, देखिए दोनों में बस इतना सा फर्क है। फाइव स्पेशली बात करता है थेफ्ट की, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग और असिस्टिंग इन द डिस्पोजल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, भाई चोरी की हुए सामान को रखना, हेल्प करना, उसका डिस्पोज करना, उसको छिपाना, विच इज अलेज टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाई एनी सच ऑफेंस कमिटेड बाई द फर्स्ट नेम्ड पर्सन्स, अबेटमेंट किया हो किसी ने, अटेम्प्ट किया हो, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ज्वाइंटली ट्रायल किए जा सकते हैं, किसी ने सामान चुराया, किसी ने छिपाया, किसी ने खरीदा, तो इन सबको एक ही साथ ट्रायल में चलाया जा सकता है। जो आपका 6 और 7 कंडीशन है, ये दोनों आईपीसी से रिलेटेड बात करते हैं। 6 कहता है कि जो आईपीसी में सेक्शन 411 और 414 है, तो ये क्या कह रहा है कि ईदर ऑफ दो सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी पोजेसर विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाई वन ऑफेंस, जहाँ चोरी किए हुए सामान को लेने से संबंधित अपराध है, वहाँ पर भी लोगों एक साथ के, भाई किसी ने एक ने लिया, उसने दूसरे को दिया, उसने तीसरे को दिया, तो सबको एक साथ ज्वाइंटली ट्रायल किया जा सकता है। 7th कंडीशन यहाँ पे क्या कहती है कि मान लीजिए जो चैप्टर 12 है आईपीसी का, रिलेटिंग टू काउंटरफिट क्वाइन एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी अदर ऑफेंस एंड सेट चैप्टर रिलेटिंग टू सेम क्वाइन, भाई चैप्टर 12 से रिलेटेड कुछ ने क्या किया हो, अटेम्प्ट किया हो, अबेटमेंट किया हो या वो ऑफेंस किया हो, तो उन सबको भी एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है। अब प्रोवाइजो देखिए, यहाँ पे प्रोवाइजो इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, ये एक तरह से मैं बता दूँ आपको, डिस्क्रिशनरी चेक करेंगे, यानी कि कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर चेक हो रहा है यहाँ पे। ये कह रहा है कि अगर ऊपर दी गई कोई भी कंडीशन, उन 7 कंडीशन जो हमने पढ़ी, इनमें नहीं आ रहा है, आपका सिचुएशन इनमें नहीं आए, तो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन या तो एप्लीकेशन पे या सुओ मोटो भी ज्वाइंटली ट्रायल चला सकते हैं। मान लीजिए 7 कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, या तो एप्लीकेशन पे या कोर्ट खुद से सुओ मोटो ज्वाइंटली ट्रायल चला सकता है। ये आपका, ये थे चारों एक्सेप्शन। अभी आ जाते हैं 223 पे। देखिए 223 यहाँ पे क्या कह रहा है, 223 इतनी सी बात कह रहा है कि जब व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड, यानी कि मान लीजिए किसी पे आपने कोई आरोप लगाया और उसे छोटा आरोप सिद्ध हुआ, आपने एक्सटॉर्शन लगाया था, ठीक है, लेकिन एक्सटॉर्शन से छोटा हो गया, वहाँ बाद में पता चला कि नहीं वो तो थेफ्ट थी, आपने डकैती लगाया वो रॉबरी निकली, आपने रॉबरी लगाई वो थेफ्ट निकला, तो जो माइनर ऑफेंस प्रूव हुआ उसी के लिए कन्विक्शन होगा, ना कि आपके पूरे के लिए।
224 सप्लीमेंटली क्यों है, क्योंकि 222 क्या कहता है कि बड़ा ऑफेंस लगाया और माइनर ऑफेंस वहाँ पे प्रूव हो गया, तो भैया माइनर के लिए ही पनिशमेंट देना है। और 224 ये कहता है कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हो चार्जेस को, विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्ज ऑन कन्विक्शन। मान लीजिए आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 चार्ज लगा दिए किसी पे, अब 3 और 4 ही प्रूव हुए तो बाकी को विड्रॉ किया जा सकता है। कौन विड्रॉ कर सकता है यहाँ पे, देखिए विड्रॉ प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है। अगर मोर देन वन हेड में चार्ज फ्रेम किए गए हैं और उनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा में कन्विक्शन हो रहा है तो बाकी होगा क्या होगा, कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन अफसर, प्रोसिक्यूशन या फिर आपका कंप्लेनेंट, ये उसको विड्रॉ कर सकता है। और कोर्ट क्या कर सकता है यहाँ पे, कोर्ट रिमेनिंग चार्ज पर स्टे लगा सकता है, क्या कर सकता है, स्टे लगा सकता है, ये यहाँ पे कंडीशंस है। मुझे लगता है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको चार्जेस के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मुझे पूरा विश्वास आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आप अपने सजेशन समय और आपकी जो एडवाइस है आप हमें बताएं कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियोज़ में, तो हमें आप मेल भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ें और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।